Hi everyone, welcome back to my channel. I am Anushka and today we are in Ballarat checking out the Sovereign Hills, which is one of the most popular tourist attractions in Victoria. So sabse pehle we have to buy tickets, which is around $50 for one person. And jaise hi hum enter hue, hume kuch ye exhibition kind of cheeze dikhi, maybe some projections the jo shayad yahan ki history ke bare mein the. But I wanted to see the main show. So jaise hi main andar aayi, I felt like कि किसी मूवी का सेट लगा हुआ है, कोई गांव बनाया हुआ है. बट नो गाइस, ये कोई गांव नहीं है, ये कोई मूवी का सेट नहीं है. इट्स बेसिकली अ रिक्रिएशन, सो इट्स नॉट अ रियल टाउन. एंड इट इज़ सेड कि 1850s में यहाँ गोल्ड माइनिंग हुआ करती थी, सो इट्स मोर लाइक अ लिविंग म्यूजियम. एंड उस टाइम को रिक्रिएट किया हुआ है हमें रियल एक्सपीरियंस देने के लिए. वन ऑफ द कूलेस्ट थिंग्स अबाउट दिस प्लेस इज दैट आप एक्चुअली में यहाँ गोल्ड पैनिंग ट्राई कर सकते हैं. इट्स काइंड ऑफ फन एक्टिविटी फॉर टूरिस्ट एंड बाय चांस इफ यू आर लकी आप वो गोल्ड रख भी सकते हैं. एंड देन वी फाउंड आउट कि यहाँ गोल्ड मेल्टिंग टूर भी होता है एट रेगुलर इंटरवल्स. आई गेस एवरी 7 मिनट्स यहाँ पर ये टूर होता है, जो शायद आपके विजिट का हाईलाइट भी हो सकता है. बट यहाँ पर प्रैम्स अलाउड नहीं होती और ये टूर थोड़ा सा फिजिकली डिमांडिंग होता है, सो बी केयरफुल अगर आपके साथ बच्चे हैं, बिकॉज इट कैन बी वेरी टायरिंग. और हम तो ये टूर नहीं कर पाए थे बिकॉज वी वर हैविंग प्रैम एंड किड्स विद अस. बट कोई बात नहीं, देर वॉज मच मोर टू एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस. And this is how a church looked like in 19th century. And now let's see 19th century ki confectionery. And yahan pe bhi live demonstration hota hai, so you can actually watch some lollies or sweets being made right before your eyes. And then hum gaye gold shop. और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी गोल्ड रखा है वो यहीं से मिला हुआ गोल्ड है या यहीं से निकला है. और कुछ आइटम्स सिर्फ देखने के लिए हैं, बट दे आर फ्यू आइटम्स दैट यू कैन बाय टू. सो जो वो लेडी खड़ी है काउंटर पे वो इसीलिए है, सो इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन. एंड आज की डेट में कुछ आइटम्स काफ़ी वैल्यूएबल भी हो चुकी हैं. एंड देन यहाँ का सबसे फन पार्ट है हॉर्स बाजार, स्पेशली फॉर किड्स. ये उस टाइम का ट्रांसपोर्टेशन था और आजकल सिर्फ टूरिस्ट के लिए ओपन है फॉर राइड्स. एंड देन वी फाउंड अ क्लोथ शॉप, सो यहाँ से भी आप कुछ भी बाय कर सकते हो. काफ़ी लोग भी थे, हाँ इट वॉज़ क्वाइट बिजी. और बच्चों के भी हैंडमेड कपड़े हैं यहाँ पे जो आप बाय कर सकते हो, बट दे आर बिट एक्सपेंसिव. एंड देन हमें भूख लगी थी, कुछ खाना था, सो लेडी टोल्ड अस कि आप बेकरी जा सकते हैं. सो हम बेकरी गए, बट वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, बहुत रश था. सो बेकरी से तो हमने कुछ नहीं लिया, बट हमारे पास कुछ फ्रूट्स थे, वही हमने खाए. सो ये है 19th सेंचुरी का स्कूल, विच इज़ मोर लाइक अ क्लासरूम. सो पहले आपको अंदर जाना अलाउड था, बट नाउडेज यू कैन नॉट गो इनसाइड. It really feels that you are walking through a 19th century town. Everything is very real. And now this was my favorite part, कि लोगों के घर देखना, especially interior. So पहले ये सारे घर open हुआ करते थे like few years back, but now only few of them are open for inside too. सो दिस इज़ अ टिपिकल माइनर्स कॉटेज. उस टाइम पे यहाँ लोग एक्चुअली रहा करते थे अपनी फैमिलीज के साथ इन दिस टाइनी हाउसेस. एंड इनको आज भी फुली फर्निश्ड रखा हुआ है टू गिव अस दैट 1850s वाइब. सो ये घर
छोटे हैं बट मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है इन घरों को अंदर से देखना। और ये सब कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, फर्नीचर, ये सब पर्पसली यहाँ रखा हुआ है। वाओ, नाउ लुक एट दिस किचन। इसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आज भी खाना बनता होगा। सी, कपड़े भी सुखाए हुए हैं सो दैट बिल्कुल रियल लगे। एंड आई गेस कि उस टाइम पे लोगों के पास कोई रनिंग वाटर या इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, सो लाइफ मस्ट हैव बीन टफ फॉर पीपल एट दैट टाइम। सो नाउ लेट्स सी दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। बोर्ड पे लिखा है कि पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो आज भी वर्किंग कंडीशन में है। सो इसका भी यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होता है कि उस टाइम पे पार्ट्स कैसे बना करते थे। सो ये तो हमें पता ही है कि उस टाइम पे लोगों की लाइफ काफ़ी हार्ड हुआ करती थी, बट देर वर फ्यू फन एक्टिविटीज़ एज वेल। फॉर एग्जाम्पल ये बॉलिंग ही ले लो, ये बॉलिंग गेम तो आज भी बहुत ही पॉपुलर है, बस डिफरेंस ये है कि उस टाइम पे टारगेट बहुत ही दूर था, रियली रियली फार अवे, एंड सब कुछ मैनुअल था। सो जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियंस के लिए भी काफ़ी स्पेस था बैठने के लिए। सो ये था 19th century का बॉलिंग गेम। Squad by the column, quick march. So मुझे तो ये प्लेस काफ़ी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग लगा। एवरीथिंग इज सो डिटेल्ड, चाहे वो क्लोथिंग हो, यहाँ की वर्किंग कंडीशंस या बिजनेसेस, एवरीथिंग फील सो रियल। एंड आई फील कि यहाँ के गवर्नमेंट या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, दे हैव पुट सो मच ऑफ एफर्ट टू रिक्रिएट दिस 19th century टाउन। Thank you for watching this video. I hope you liked it and please do like, share and subscribe my channel. I'll see you next time. Till then, bye.